पोहरी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के शासकीय शिक्षकों ने आज जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से 5 माह की वेतन दिलाने की लगाई गुहार। शिवपुरी जिले के पोहरी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के शासकीय शिक्षकों ने आज जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर सहित जिला शिक्षा अधिकारी की रुकी हुई 5 माह की वेतन दिलवाए जाने की गुहार लगाई है। शिक्षकों का कहना है कि हाल ही में उनकी भर्ती हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें एक भी माह का वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अप्रैल माह में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, तभी से लेकर आज दिनांक तक हम निरंतर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा पोहरी ब्लॉक के लगभग 150 शिक्षकों को एक माह भी वेतन उपलब्ध नहीं कराया गया। पोहरी ब्लॉक के लगभग सभी शिक्षक अन्य जिलों से शिवपुरी जिले में पदस्थ हुए हैं। क्षेत्र में भी हमारे मिलने जुलने वाले नहीं है। अब तक अपने परिचितों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर हम अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन 5 माह गुजर जाने के बाद भी हमें वेतन नहीं मिल सका। इसी दरख्वास्त लगाने आज कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए और जल्द से जल्द वेतन दिलाए जाने की मांग की। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दूसरा बोले, मेरा नाम नीचे करो, स्वतंत्र आपका। मेरा नाम वीरेंद्र है और हम शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक हैं। अप्रैल माह में हमारी सभी की ज्वाइनिंग हुई थी। अप्रैल माह से लेकर अभी तक आज दिनांक तक हमारी एक भी दिन की या एक भी महीने की कोई सैलरी नहीं आई है। इससे संबंधित अधिकारियों से हमने कई बार बात की तो उन्होंने बस यही आश्वासन दिया कि आ जाएगी आ जाएगी, और अभी तक इससे कोई भी कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिली है। इसलिए आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय और DO महोदय से अपनी सैलरी की चर्चा करने। कितने महीने से नहीं मिली? 5 महीने हो गए हैं। कितने कर्मचारी इसमें होंगे? लगभग पूरे ब्लॉक में हमारे 150 कर्मचारी हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं। शिवपुरी ब्लॉक है कि इसमें और पोहरी ब्लॉक में? शिवपुरी के अलग अलग ब्लॉक में कई जगह मिल रही है सैलरी। आपके मामा श्री मंच से, भले मंच से अनाउंसमेंट करते हैं, मामा श्री ने ये कहा था कि आप चिंता मत करो, आप सिर्फ पढ़ाओ। हमने 5 महीने से कोई चिंता नहीं की, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि चिंता हमें यही करना पड़ेगी तभी हमें मिल पाएगी। तो आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है फिर? घर का खर्चा कर्जा ले लेके चल रहा है। यहाँ अभी जितने भी बैठे हुए हैं सब अपने किसी न किसी से, अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से पैसा लेके अपना खर्चा चला। हम सब जो भी पोस्टेड हुए हैं ज़्यादातर यहाँ अदर स्टेट से हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं। जैसे मैं विदिशा जिले से हूँ, 300 किलोमीटर दूर है। कई राजस्थान से हैं, UP से हैं, से अलग अलग जगह से पोस्टेड हुए हैं। लोकल के भी नहीं हैं तो बड़ी दिक्कत आ रही है हम सबको अपने खर्च को वह करने में।